आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉप टिप्स फॉर थंबनेल, यानी कि सिर्फ थंबनेल के लिए यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा टिप्स दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट आ गया, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्टैंड आउट नेक्स्ट टू अदर थंबनेल। अब कह रहा है यूट्यूब, कह रहा है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करें तो इन लोगों का जैसा थंबनेल बनाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, जब भी आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब पर हमेशा व्यूज लाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जब तक आपका थंबनेल बेस्ट नहीं होगा, यानी कि थंबनेल कुछ क्लिकबेट नहीं करेंगे, कुछ क्लिकेबल थंबनेल नहीं बनेगा, तो तब तक आपके वीडियो पर लोग क्लिक नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है कि थंबनेल सबसे पहले दिखता है एंड थंबनेल देखकर ही लोग क्लिक करते हैं, ठीक ना। तो लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर थंबनेल किस टाइप का बनाए। तो अब यहाँ पर ना YouTube की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अब YouTube ने सभी चैनल को, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं, तो YouTube क्या कर रहे हैं, सभी को एक रिकमेंड कर रहा है कि आपको किस टाइप का थंबनेल बनाना चाहिए। यानी कि YouTube अब सभी को बता रहा है कि आपको इस टाइप का थंबनेल को बनाना चाहिए, ठीक ना। एंड ये YouTube पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप साइड में देखो तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखो YouTube ने मुझे खुद रिकमेंड कर रहा है कि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो मुझे किस टाइप का थंबनेल को बनाना है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर यूट्यूब ने साफ साफ लिखा है कि अगला वीडियो को आपको इनके तरह थंबनेल को बनाना चाहिए, ठीक ना। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप में भी अपडेट आया होगा। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको चेकआउट करना है। एंड यहाँ पर एक अपडेट नहीं आया है, बहुत सारा अपडेट आया है यहाँ पर थंबनेल को लेकर के खास करके, ठीक ना। तो यूट्यूब बहुत बड़ा अपडेट दिया है एंड आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, ए टू जेड अपडेट बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक ना। अगर आप एक यूट्यूबर है एंड आप भी यूट्यूब पर रेगुलर काम करते हैं तो भाई इस वीडियो को जरूर देखना एंड जो भी पॉइंट यूट्यूब बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, 100% आप अपने चैनल पर व्यूज को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा देखना, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस अपडेट को चेक करने का सिंपल सा करना क्या है कि अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। देखिए मैंने YT स्टूडियो को ओपन कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद नीचे में आओगे तो देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉप टिप्स फॉर थंबनेल, यानी कि सिर्फ थंबनेल के लिए यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा टिप्स दिया है एंड ये अपडेट सब किसी के चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप भी अपने यूट्यूब पर जाकर एनालिटिक्स में जाकर चेक करोगे तो आप में भी ये दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, देखो यहाँ पर एक अपडेट नहीं है, बहुत सारा अपडेट आया है। कौन सा अपडेट क्या बता रहा है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहले आपको दिखा देगा थंबनेल्स हेल्प व्यूअर चूज यू, यानी कौन सा थंबनेल ऐसा है जो उससे मतलब कि लोगों को देखने के बाद हेल्प हुआ है, वो मतलब कि ज़्यादा मदद हुआ है, वहाँ पर ये थंबनेल का अपन दिखा देगा कौन सा थंबनेल है, ठीक ना। देखो मैंने एक थंबनेल बनाया जिस पर क्यूएन ए वीडियो बनाया था जिसमें 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, क्योंकि देखो 4-5 क्वेश्चन को एक ही बार में डिसाइड कर दिया था। तो इससे मतलब कि यह थंबनेल दिखाई दे रहा है कि ये थंबनेल आपका बेस्ट था, ठीक ना, मतलब जिससे व्यूअर को ज़्यादा हेल्प हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद स्किप करोगे तो देखो यहाँ पर दिखाई देगा दीज थंबनेल आर वर्किंग वेल। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो मेरा 3 थंबनेल है ना, मतलब ये थंबनेल काफ़ी अच्छा काम किया है। अब आपको पता होगा कि मैंने जो बिंदास काव्या के ऊपर वीडियो बनाया था और उस वीडियो में वायरल भी हुआ था, इन सारे वीडियो को मतलब मैंने जब बनाया था ना तो ये वीडियो मेरा काफ़ी वायरल हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर यूट्यूब दिखाई दे रहा है कि ये मतलब ये जो थंबनेल है ना मेरा काफ़ी अच्छा वर्क किया है, मतलब इन सारे वीडियो पर काफ़ी अच्छा व्यूज आया है, यहाँ पर यूट्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद मैं स्किप करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर देना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेक श्योर दे आर क्लियर एंड ईजी टू रीड, यहाँ पर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये यूट्यूब बता रहा है कि ये सारा जो थंबनेल है ना, जो तभी मैंने थंबनेल बनाया है, ये थंबनेल एकदम क्लियर है, यानी कि साफ साफ है एंड साथ में जो पढ़ने में मतलब जो भी थंबनेल पर लिखा है पढ़ने में भी काफ़ी आसानी हो रही ऑडियंस को। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है मेक्स योर दे आर क्लियर एंड ईजी टू रीड, यानी कि थंबनेल को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है एंड साथ में ये थंबनेल क्लियर भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने थंबनेल बनाया है, अब आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब कि मुझे क्या करना है, इस टाइप का थंबनेल को बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि देखिए ये थंबनेल काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि पढ़ने में भी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है एंड साथ में जो भी मैंने लिखा है फ्रंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ यूट्यूब ने यहाँ पर बताया है, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट आ गया, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्टैंड आउट नेक्स्ट टू अदर थंबनेल। अब कह रहा है यूट्यूब, कह रहा है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करें तो इन लोगों का जैसा थंबनेल बनाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर मेरा भी एक थंबनेल दिखाई देगा बीच में, जो कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था प्रोफेशनल सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे बनाए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अब उसके अलावा देखोगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारे थंबनेल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर टेक्निकल योगी सर का भी यहाँ पर थंबनेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रोहित राज मोटिवेशनल का भी दिखाई दे रहा है, मनोज का भी दिखाई दे रहा है, जुन्नू के टेक के भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो टेक चैंपियन सपोर्ट सर का दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे क्रिएटर का थंबनेल दिखाई दे रहा है। अब ये थंबनेल क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके वीडियो पर काफ़ी अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। तो यूट्यूब बता रहा है कि आपको भी इन्हीं की तरह थंबनेल बनाने की कोशिश करना,
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि मेरा जो मतलब कैटेगरी क्या है, टेक कैटेगरी, एंड इन लोगों का भी टेक कैटेगरी है, ठीक ना। अब टेक कैटेगरी टेक कैटेगरी दोनों लोग का सेम है, तो हमारी और इनकी ऑडियंस क्या है, सेम है। तो अब सेम ऑडियंस है तो हमारी वीडियो को लोग कम देख रहे हैं, इनके वीडियो को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब ये बता रहा है कि अब आपको क्या करना है, इनके थंबनेल बनाने की कोशिश करिए। जब इनके जैसे मैं थंबनेल बनाऊंगा तो मेरी भी ऑडियंस इनके वीडियो के मतलब जो भी देख रहा है, मतलब इनकी ऑडियंस मेरी वीडियो को भी देखेगी, ठीक है। यूट्यूब ये खुद रिकमेंड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ बता रहा है। आप भी अपने चैनल पर जाकर चेकआउट करना किन किन थंबनेल को आपको सजेस्ट कर रहा है, उनके जैसा बनाने की कोशिश करिए, 100% आपका व्यूज बढ़ जाएगा, ठीक ना। यही चीज़ यूट्यूब ने बताया है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट था, आप लोग हमेशा अपने चैनल पर जाकर के चेकआउट करना, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर करूँगा, देखो यहाँ पर यूट्यूब अब एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ बताया है, ऑलवेज रिमेंबर टू, हमेशा आपको याद रखना है। अब क्या याद रखना है वो चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या लिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, फेमिलियर कलर फेस एंड फ्रंट हेल्प व्यूअर रिटर्न टू योर चैनल। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये बता क्या रहा है, फाइंड योर स्टाइल। अब दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है, यूट्यूब का साफ साफ कहना है ना कि जैसे मान लो कि आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो तो अपना खुद का एक फेस वैल्यू बनाओ। जैसे मान लो कि मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एंड अचानक से मैं अपने चैनल को किसी और को दे देता हूँ, या फिर किसी इसी चैनल पर कोई और बंदा आकर वीडियो बनाने लगेगा, तो फिर उनको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। यानी खुद का अपना एक फेस वैल्यू बनाइए, लोगों को पहचानने में ईजी होती है, फिर लोग अगर आपको वीडियो आकर के देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए लिखा है व्यूअर रिटर्न टू योर चैनल। जैसे मान लो कि मेरे चैनल पर कोई और बंदा वीडियो आकर बनाने लगेगा, तो फिर आप में से काफ़ी सारे कम जो लोग हैं ना उनको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना खुद का एक फेस वैल्यू बन जाता है। अब मुझे भी कुछ लोग पसंद करते हैं, रेगुलर आकर वीडियो को देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। अब मेरे चैनल पर कोई और बंदा वीडियो अपलोड कर गया तो हो सकता है वो बंदा वीडियो धीरे धीरे देखना बंद कर देगा, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू नहीं है। लोग जिसको देखना पसंद करते हैं वहीं बंदे को हमेशा देखना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ यूट्यूब ने बताया, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कीप इट स्माइल सिंपल, ठीक है, कीप इट सिंपल, यानी कि आपको सिंपल सा बताया है कि देखो थंबनेल जो भी आप बता रहे हो ना, थंबनेल जो भी बना रहे हो, बोल्ड कलर डिजाइन एंड, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नॉट टू सो मच ओवर ब्लेंडिंग, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये मतलब लिखा है ना कि जो भी आप थंबनेल बना रहे हो, थंबनेल में क्या करो, ज़्यादा मोटा वाला अक्षर को यूज करो, क्योंकि बोल्ड कलर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, एंड साथ में बोल्ड कलर के साथ कोई ऐसा कलर यूज करो जो मतलब कलर मैचिंग हो, ठीक ना, डिजाइन के साथ में मतलब थंबनेल बनाओ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो सारा थंबनेल डिजाइन है, देखो कितना सारा मोटा मोटा लिखा है, कितना सारा कलर यूज किया गया है। तो यूट्यूब यही कह रहा है कि अब आपको भी यही काम करना है, मतलब जो भी फ्रंट लिखो थंबनेल को मोटा मोटा लिखो, एंड साथ में कलर को भी मैचिंग करो, ठीक ना। तो थंबनेल आपका काफ़ी अच्छा बनेगा एंड लोग आपके वीडियो को क्लिक करेंगे, एंड टारगेट योर ऑडियंस। यहाँ पर देखो साहब यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि यूट्यूब के मतलब कि आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे देखो होता क्या है कि मेरा टेक कैटेगरी है तो मेरे को वीडियो कौन देखेगा, टेक वाला बंदा देखेगा जिसको यूट्यूब के बारे में नॉलेज चाहिए, तो मुझे क्या करना है उनके लिए वीडियो अपलोड करने, तो टारगेट करना है कि ये मेरा वीडियो कौन बंदा देख सकता है, उसको टारगेट करके वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना। बाकी दोस्तों इसके ऊपर देखो टारगेट योर ऑडियंस है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आखिर ये क्या बता रहा है, ठीक ना। तो बाकी अब दोस्तों उसके बाद स्किप करो, देखिए यहाँ पर लिखा है वांट मोर, अगर आप चाहते हो मतलब थंबनेल एंड टाइटल के ऊपर कोई वीडियो देखना है, तो यूट्यूब का खुद का एक वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पर चैनल पर, आप इस पर क्लिक करके जाकर देख सकते हो। देखो मैंने जैसे क्लिक किया ना, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो YouTube का खुद का चैनल है, टाइटल एंड थंबनेल देखो यहाँ पर YouTube क्रिएटर्स के नाम से, तो आप जाकर के इसके चैनल पर YouTube के वीडियो को देख सकते हो, ठीक ना। YouTube पर यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस किया गया है कि आपका थंबनेल टाइटल कैसा होना चाहिए, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक ना। अब दोस्तों इसी प्रकार से देखो YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आ गया, मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर तो YouTube ने इतने सारे अपडेट को दे दिया है, तो आप भी अपने चैनल पर जरूर जाकर चेकआउट करना कि ये सारा थंबनेल पर मतलब कि आपको कैसा थंबनेल रिकमेंड कर रहा है। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ, ठीक ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब तक आप अपने चैनल पर थंबनेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते तब तक आपके वीडियो पर लोग क्लिक नहीं करते हैं। एंड जो भी YouTube अपडेट देता है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एंड जिस तरीके से YouTube काम करने के लिए बोल रहा है ना, तो भाई उस तरीके से काम करें, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपके चैनल पर व्यूज बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर ना YouTube पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ चुका है, एंड हर समय YouTube ना अपने ऑडियंस को हेल्प करता है, जो भी छोटे छोटे क्रिएटर हैं उनको अब हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ये थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा हेल्प किया है, तो आप भी जाकर अपने फोन में चेकआउट कर जरूर करना, ठीक ना। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में ताई, एंड आई होप कि सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, उसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से फिर से बता दूंगा, ठीक ना। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में ताई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।